मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो डे 3 है और ये वीडियो जो थोड़ा सा डिले लेट हो गए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सारी वीडियोज एक साथ डालूंगा। क्यों? क्योंकि पता क्या हो रहा है, G20 समिट के चक्कर में एक्चुअली इधर एयरपोर्ट से और ऋषिकेश के बीच में सारी इन्होंने क्या कर रखा है, केवल बिजली की तारें रखी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर रखी हुई और सारी जो फाइबर की थी वो सारी लाइनें काट दी और सारा इंटरनेट वगैरह सब कुछ बंद हो रखा है। मतलब जो फाइबर वगैरह चल रहा है, वैसे तो चल रहा है इंटरनेट, बट उस चीज़ की वजह से ना वो सब चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। तो वो वीडियोस मेरे पास नेट मतलब बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा वाला नेट नहीं है कि बिल्कुल मतलब फाइबर वाला नेट नहीं है। तो इसलिए उसकी वजह से क्या मैं सोच रहा हूँ कि जब तक वो लगेगा, अभी 28 तक तो चलेगा वो G20 समिट और उसके बाद भी पता नहीं क्या मतलब कब तक लगेगा, आई डोंट नो। तो चलो यार आज की बात करते हैं। आज डे 3 है और आज हम अपना लेग वर्कआउट करने वाले हैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो भाई लेग्स आज स्टार्ट करते हैं। तो लेग्स में पहली एक्सरसाइज हमारी स्क्वाट्स होने वाली है। तो हम लोग स्क्वाट्स में क्या करते हैं, अपने क्वाड्स मसल को ट्रेन कर रहे थे, जिसे हम क्वाड्रिसेप्स भी बोलते हैं। तो क्वाड्रिसेप्स के अंदर क्या है, हमारी चार मसल ग्रुप होते हैं, क्वाड्रिसेप्स चार मसल ग्रुप से हम लोग को मिलकर बन रहा होता है। तो जिसमें क्या हो जाता है, जो ये वाला हमारा वॉस्टस मीडियालिस ये वाला पोर्शन होता है, वॉस्टस लेटरलिस हमारा ये वाला होता है। मेरी लेग्स की इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है तो मैं इसलिए इसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको उसमें बता दूंगा, वीडियो में सही से प्रॉपर करके बता दूंगा। और अंदर रेक्टस फीमोरिस होती है, हमारे अंदर ही अंदर मसल होती है, रेक्टस फीमोरिस नहीं दिखती है। और जो वॉस्टस इंटरमीडियस होती है वो भी हम लोग की ट्रेन हो रही होती है। और इसमें हमारी जब हम लोग ये करते हैं तो इसमें ना हमारी ग्लूट मसल भी ट्रेन हो रही होती है, तो मैक्सिमस और मिनिमस, ठीक है। तो जब हम लोग ना इसमें कर रहे होते हैं तो बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बारबल को हम लोग किस तरीके से, हम बारबल अपना ट्रेपीजियस और जो हमारा पोस्टीरियर डेल्टॉइड से हल्का सा ऊपर रखते हैं ताकि वो चुभे ना, उस हिसाब से जिस हिसाब से आपको लगे, ठीक है, आपको चुभेगा नहीं, ठीक है। बस इतना ही है गाइस इसमें। और इसमें क्या करते हैं, इसमें दो तीन चीज़ें और आ जाती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम बारबल को अप कर लेते हैं तो इनहेल करते हैं, चेस्ट को एक्सपेंड कर देते हैं और हमने कोर मसल्स को क्या था, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता था, हमारी जो लंबर स्पाइन होती है ना, हम उसको एक्सटेंशन करते हैं उस पर। और जब हम करते हैं तो वो क्या करते हैं, हल्का सा जो हमारा टॉर्सो होता है आगे की तरफ टिल्ट हो जाता है, तो ठीक है। अब इसमें इस तरीके से हम लोग ये परफॉर्म करते हैं और जो हमारी पाँव की पोजीशन होती है नॉर्मल होती है, सिंपल, जितना अपना हल्का सा देखो, जितना आप लोग जिस पोजीशन में आप चल रहे होते हैं उस पोजीशन में आप नॉर्मल कर सकते हो, हल्का सा शोल्डर भी टपा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज़ और आ जाती है, जब हम लोग स्क्वाट्स करते हैं तो एक हमारा मतलब जो हमारा क्लासिक स्क्वाट्स होता है, नॉर्मल ये होता है कि जब हमारा सरफेस से हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाता है, हमारी जो लेग्स होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाता है। बट क्या होता है, हम लोग जब नीचे बैठते हैं, हम लोग जब पूरा कंप्लीट स्क्वाट्स करते हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। कंप्लीट स्क्वाट्स में क्या होता है, हमारे ग्लूट मसल्स भी ट्रेन हो जाते हैं। बस उस चीज़ में आप लोग ध्यान क्या रखेंगे कि आप लोग बेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को अपनी कमर को बेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कमर बेंड करोगे तो आपकी जो लंबर स्पाइन इंजरीज होने का बहुत चांसेस होते हैं गाइस। ज़्यादातर जो लंबर स्पाइन इंजरीज होती है इसी वजह से होती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी जो बैक को बेंड कर रहे होते हैं, तो बैक को बेंड कर रहे होते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, हमें जो हर्निएटेड डिस्क की प्रॉब्लम होती है, हर्निएटेड डिस्क मतलब जो जिसे हम लोग स्लिप डिस्क भी बोलते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारी लंबर स्पाइन होती है ना, जो लंबर वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होती है, L1-L5 जो रहती है ना, T12 के बाद L1-L5 रहती है जो हमारी, जिसे हम लोअर बैक बोलते हैं, वो प्रॉब्लम करती है, उसमें दर्द होता है। तो इसी वजह से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम, बस मेन आप ध्यान रखेंगे इसमें बेंड नहीं करेंगे, मतलब आपको कमर को बेंड नहीं करना है बस। आप एक बार देख लीजिए, तो इसमें आप हम लोग करेंगे 5 सेट कर लेंगे 8-12 रेपिटेशन के, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब बात करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की। सेकेंड एक्सरसाइज हमारे वाली होनी है स्टिफ लेग डेड लिफ्ट होने वाली। इसको हम डंबल से भी कर सकते हैं, बारबेल से भी कर सकते हैं। तो बस यार इसमें स्टिफ लेग डेड लिफ्ट तो ये है कि इसमें बस केवल इस स्टिफ लेग डेड में दो चीज़ें आ जाती हैं। इसके भी हम लोग वही 5 सेट करेंगे 8-12 रेपिटेशन के साथ। और इसमें क्या आता है, हम लोग का हैमस्ट्रिंग जो हमारी आती है ना, हैमस्ट्रिंग मेनली ट्रेन हो रही होती है। तो हैमस्ट्रिंग भी काफ़ी मसल ग्रुप्स के साथ आता है। तो इसमें जो आता है पहले हमारा हैमस्ट्रिंग में बाइसेप्स फीमोरिस आ जाती है, उसके अंदर लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड आ जाता है, तो उसमें हमारा जो लॉन्ग हेड हो जाता है वो हमारा ट्रेन हो जाता है।
और सेमी मेम्ब्रेनस आ जाता है, सेमी टेंडेनस आ जाता है, क्योंकि ये वाली मतलब जो हैमस्ट्रिंग जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें कई सारी मसल्स ग्रुप आती हैं, तो मेनली हम लोग की यही ट्रेन हो रही होती है। और इसमें भी गाइस हम लोग यही करेंगे कि वही कमर को बैंड नहीं करेंगे, और बस इसमें बस ये दो चीज़ ध्यान रखना कि हम एक ना स्ट्रेट लेग में क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेट नीज के साथ करते हैं और एक हल्का सा नी बैंड कर लेते हैं। बस यार गाइस हम लोग इस तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं, वही पोजिशन इनहेल कर देंगे, इनहेल करते हैं, ऊपर आके एक्सहेल कर देंगे, राइट, फोर अपना कॉन्टेक्ट कर देंगे, टॉस हमारा टिल्ट होगा आगे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हमारी स्ट्रेट नीज के साथ आएगा पीछे, तो बस यार ये आप लोग की एक्सरसाइज हो जाएगी। दूसरी इसके भी वही 5 सेट है 8-12 रेपिटेशन के साथ। तो बस यार, तो गाइस तीसरी एक्सरसाइज होने वाली हमारी पावर स्क्वाट्स हम लोग जिसे बोलते हैं। इसमें क्या बोला था, हम लोग जो हमारी पोजिशन होती है वो थोड़ा वाइड हो जाती है, और हम लोग मतलब जो हमारे टोज होते हैं टोज का जो पॉइंट होते हैं अपवर्ड होते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं सेम है मतलब पुरानी वाली जो हमारी क्लासिक स्क्वाट्स होता है उसी की तरह करते हैं, बट इसमें क्या है कि हम लोग थोड़ा सा इनर थाइस को हम लोग ट्रेन कर रहे होते हैं। तो इनर थाइस में हमारी जो एक ग्रासलिस आ जाती है, एडक्टर मैग्नस आती है, एडक्टर लॉन्गस आती है, उन चीज़ों को हम लोग ट्रेन कर रहे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप लोग छोटी छोटी चीज़ों से काम करो, मतलब अगर आपको अभी नहीं आती हल्के वेट से ट्राई करो, धीरे धीरे चीज़ें कोशिश करो, कहीं रिसर्च कर लो चीज़ों की, थोड़ा थोड़ा चीज़ें, ये नहीं कि आप बिल्कुल एक ही चीज़ को करने में लगे उसी फॉर्म से, मतलब अगर गलत कर रहे हो गलत ही कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ यार आप धीरे धीरे ना चीज़ों को करने की मतलब अच्छे से करने की कोशिश करो, टाइम रहते हुए आप लोग सीख जाओगे, धीरे धीरे खुद से सीख जाओगे। मैंने भी बहुत धीरे धीरे सीखा, अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ज़रूरी ही नहीं है देखो कि हम लोग सभी चीज़ सही कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें कहीं पे हमें हिट ही नहीं कर रही होती हैं, उस चीज़ में थोड़ा सा वेरिएशन चेंज करने पड़ते हैं। तो इसलिए गाइस मैं ये बता रहा हूँ कि आपको मतलब मैं बस बता रहा हूँ आपको कि यार आप लोग इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई एक्सरसाइज गलत है सही है, मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, बस मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो बस गाइस हम लोग इस तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। इसमें हम लोग वाइड कर देते हैं और जो हमारे पॉइंट टू होते हैं पॉइंटेड आउट होते हैं, तो बस यार इस तरीके से मैं मतलब जो मेरे को आ जाता है इनर थाइस में, इस एक्सरसाइज में देखो यार एक्सरसाइज कोई भी कर रहे हो, मैंने आप लोगों को बताया बस बैक का एक बार ही ध्यान रखेंगे आप लोग, तो आप लोग बैक का यही ध्यान रखेंगे कि आपको ना बैक में मैंने ऐसे बेंड नहीं करना किसी भी जो मतलब ऐसे हैवी लिफ्टिंग जो मतलब स्क्वाट्स हो गए डेडलिफ्ट हो गए, आप लोगों को उन चीज़ों में नहीं करना है, वही प्रॉब्लम आती है फिर जो हार्नेटेड डिस्क मतलब जैसे स्लिप डिस्क हम लोग जिसे बोलते हैं, वही प्रॉब्लम आप लोगों को दिक्कत करती है, क्योंकि बहुत सारे आते हैं आज भी बहुत सारे मतलब जिम में आते हैं बंदे लड़के आते हैं मतलब कई बंदे आते हैं और कई सालों को मतलब इस चीज़ की इंजरी होती है, और इंजरी इसलिए नहीं होती है, इंजरी इसलिए होती है क्योंकि बस वही ईगो लिफ्टिंग वो चीज़ें पता ही नहीं होता हम चीज़ें कहाँ पे गड़बड़ कर रहे होते हैं, तो वही चीज़ें यार गाइस इस चीज़ में मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप लोग ध्यान रखो इन चीज़ों का। चलो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो चौथी खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो चलो गाइस बात करते हैं चौथी एक्सरसाइज की। तो चौथी एक्सरसाइज हम लोग की होने वाली है और लंजेस होने वाली है, इसमें हम लोग डंबल से भी कर सकते हैं बावल से भी कर सकते हैं बस। तो इसमें भी हमारा क्या क्वाड्स मसल हमारी ट्रेन हो जाती है, और जो हमारा ग्लूट मसल होती है मैक्सिमस वो भी हम लोग की ट्रेन हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, जब हम इसमें एक मतलब स्टेप करते हैं, एक स्मॉल स्टेप रख लेते हैं और एक थोड़ा सा लंबा स्टेप कर लेते हैं लॉन्ग स्टेप रख लेते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग जब करते तो जैसे हम लोग जब हम स्मॉल स्टेप करते हैं ये वाला जिसमें शॉर्ट स्टेप शॉर्ट रखते हैं हम लोग, तो इसमें हमारी क्वाड मसल ज़्यादा ट्रेन हो रही होती है। जब हम लोग क्या करते हैं बिग स्टेप रखते हैं ये वाला, तो हमारी इसमें ग्लूट मसल भी मतलब अच्छे से प्रीडोमिनेंट होती है, जो हमारी मतलब प्रीडोमिनेंट हमारी ग्लूट मसल भी मैक्सिमस ठीक है वो भी ट्रेन हो रही होती है। तो बस गाइस इसमें यही है और तो
बस यार यही है, चौथी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। मिलते हैं गाइस आप लोगों को पांचवी एक्सरसाइज में। पांचवी एक्सरसाइज है हमारी हिप थ्रस्ट, और हिप थ्रस्ट में हम लोग नॉर्मल है, हिप थ्रस्ट में भी हम लोग वही हैमस्ट्रिंग, तो बाइसेप्स फेमोरिस हो जाता है हम लोग का ट्रेन। बाइसेप्स फेमोरिस के अंदर दो पार्ट आते हैं, शॉर्टेड एंड लॉन्गेड, हम लोग के दोनों ट्रेन हो रहे होते हैं। और क्या होता है ग्लूटस मैक्सिमस जो हमारा होता है। तो गाइस इस तरीके से ये वाला मतलब पोस्चर आप लोग देख लेना, वेट आप लोग देख लेना, क्योंकि मैंने अभी हल्का लगाया, मैं कभी अभी आप लोगों को बताने के लिए सब चीज़ें कर रहा था। तो बस यार इस तरीके से हम लोग रख लेते हैं, और इस तरीके से हम लोग ट्रेन कर लेते हैं। तो ठीक है यार गाइस, इसके भी वही पांच सेट कर लेना 8-12 रेपिटेशन के साथ। और बस आज की एक्सरसाइज इतने में लेक्स हम डे 3 को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। और होप करता हूँ ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा, मतलब सारे मतलब एक्सरसाइज में लिख दूंगा सारी वर्कआउट्स, तो कितने कितने रैप्स के साथ वो सारा लिख ही रहा हूँ मैं, सारी एक्सरसाइज में लिख देता हूँ, आप लोगों को देख लेना। तो इस तरीके से आप लोग अपना शेड्यूल तैयार कर लोगे। कल मिलते हैं डे 4 में, वही कल फिर पुश डे होने वाला है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज के साथ। तो चलो यार गाइस मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट एक्सरसाइज में। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, काफ़ी मेहनत लग रही है इन वीडियो को बनाने में, तो टाइम भी लग रहा है, मेहनत भी लग रही है। तो यार सपोर्ट करना गाइस, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, कमेंट, एवरीथिंग। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।